गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नाउ दिस इज न्यू चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वी हैड कंप्लीटेड टू चैप्टर्स, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन एंड एल्कोहल फिनॉल्स एंड ईथर्स। नाउ वी आर ऑन एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। In this part, we will discuss about introductory part of aldehyde, ketones and carboxylic acid and nomenclature of aldehyde and ketones specifically. And the structure of aldehyde and ketones also. In this part, we will discuss. Here it is. Organic compound containing carbon-oxygen bond, C double bond O, this bond, called carbonyl groups. If there is, in place of one bond, there is OH, it would be carboxylic acid. And if both are alkyl, or if it is hydrogen, it would be aldehyde, and both are alkyl group, it would be ketone. You can see here, this is aldehyde. It means simply we can say, C, ever there is a alkyl group, double bond O, ये part same है सब में। If here is hydrogen, it will be aldehyde. If here another alkyl group, it would be ketone. If here OH, it would be carboxylic acid. If in place of इस place पर ही difference है, this place is only different. Here is OR, this would be R, same भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है, this would be ester. X in place of H, this would be acid, halides. O C double bond O CH3 in place of H, this would be anhydride. R is there, this would be anhydride. And NH2 is there, this would be amide, aldehyde, ketones, acid, ester, acid halide, anhydride, amide. ओके, सो इस तरीके से हम इन्हें क्लासिफाई कर सकते हैं। ओके, या हम कह सकते हैं कि हम अलग अलग बता सकते हैं, दीज टू आर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स एंड अदर्स आर एसिड, दिस इज एसिड एंड दीज आर एसिड डेरिवेटिव बिकॉज दे आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम एसिड, दैट्स व्हाई दे आर टर्म्ड एज एसिड डेरिवेटिव, राइट? यू कैन सी हियर, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, दे मैनी ऑफ दीज कंपाउंड आर फाउंड इन नेचर। यू कैन सी वैनिलीन, सैलिसल्डिहाइड, सिनेमल्डिहाइड, ये बहुत सारे फ्रूट मटेरियल्स में हमें देखने को मिलते हैं एंड वेरी इंपॉर्टेंट, वैनिलिन तो फ्रेग्रेंट भी होता है, राइट? सो वेरी इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस आर देयर, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस। जनरली मेडिसिंस में ये फंक्शनल ग्रुप्स काफ़ी देखने को मिलते हैं, सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कॉमन नॉमेनक्लेचर अगर हम बात करते हैं, सो जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं उनका एक हटाकर और एल्डिहाइड लगाने से बनता है जो कॉमन कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड से रिलेटेड जो दो कार्बन वाला एसिड, दो कार्बन वाले एल्डिहाइड को एसिड एल्डिहाइड कह देते हैं। बेंजोइक एसिड, तो बेंजोइक एसिड क्या होता है, C6H5COOH, यानी रिंग के ऊपर COOH। सो इन दैट केस अगर वैसे ही कोई दो का एक कार्बन ऊपर है और एल्डिहाइड, दैट वुड बी बेंजल्डिहाइड।
ब्यूटायरिक एसिड से ब्यूटायरल्डिहाइड, यू कैन सी हियर, राइट. द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस दैट अल्फा बीटा गामा द फंक्शनल ग्रुप, कार्बन बॉन्डेड विद फंक्शनल ग्रुप इज टर्म्ड एज अल्फा एंड देन बीटा एंड देन गामा. 1, 2, 3 की जगह अल्फा बीटा गामा का यूज किया जाता है. इन केस ऑफ कीटोन्स जनरली व्हाट इज द बेसिस, जो दोनों जनरल जो नोमेनक्लेचर है, दोनों तरफ के एल्काइल ग्रुप के नाम लिख के कीटोन लिख देते हैं. फॉर एग्जाम्पल डायमिथाइल कीटोन वी कैन से, मिथाइल फिनाइल कीटोन वी कैन से, या दिस इज एथाइल फिनाइल कीटोन, ये काफ़ी फेमस है. लेकिन उसके बाद कुछ और चीज़ें भी की गई, कुछ कॉमन नेम, जैसे इसे एसीटोन कहा जाता है, ये जो है वो काफ़ी फेमस हो गया. इस ग्रुप को फिनोन कह देते हैं, जैसे ये CH3 तो ये एसी तो फिनोन, एसाइल ग्रुप जो होता है उसके लिए फिनोन टर्म, जैसे प्रोपियोन फिनोन, बेंजो फिनोन, इस तरीके C6H5CO को फिनोन कह देते हैं, और इस ग्रुप को एसीटो तो एसीटो फिनोन. तो ये कुछ कॉमन नेमिंग इनकी यूज की जाती है. बट एज वी नो दैट नेमिंग द कॉमन नेमिंग इज कॉमन नेमिंग, इट इज नॉट एक्चुअली फिक्स्ड, राइट. नाउ वी आर ऑन IUPAC नॉमेनक्लेचर. सो एज वी नो IUPAC नॉमेनक्लेचर के लिए सारे रूल्स वही होते हैं, बट द पॉइंट अगेन केम इज दैट CHO इज प्रेफर्ड ओवर दैट वी स्टडीड टिल नाउ. फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोकार्बन्स, हेलो एल्केन्स, एल्कोहल, ईथर्स, नाइट्रो ऑल्सो, इन सबसे ज़्यादा और अमाइन से भी प्रेफर किया जाता है एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को. इसका मतलब ऑब्वियस है, इन वाइल नंबरिंग वी चूज नियरेस्ट डिस्टेंस. एक्चुअली वाइल नंबरिंग ऑफ एल्डिहाइड वी स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम एल्डिहाइड जनरली, बट इन कीटोन वी चूज नियरेस्ट पोजिशन ऑफ कीटोन. सो नंबरिंग के समय हमें ध्यान रखना होता है कि वी मस्ट प्रेफर एल्डिहाइड, वी मस्ट प्रेफर सी डबल बॉन्ड और CHO ग्रुप फर्स्ट. यू कैन सी there is a numbering, you can see in this case we will start numbering from here 1 2 3 4 5 6 7. So the number name is 1 2 3 4, the 4 bromo 3 methyl pentanal. So in place of alkane, jab hum root word ko alkane, jab carbon carbon single bond hota hai, double bond hoga to ene hoga, triple bond hoga to ion hoga, jo second primary suffix hota hai, to e ko hatakar al al use karte hain, राइट. यू कैन सी हेयर इफ इट इज एल्कीन तो ईन होना चाहिए ना, पेंटीन, तो ईन ई लास्ट में हटाकर आल, बाकी सब एज इट इज. 1 2 1 1 2 3 4 5, ओके. सो देर इज एल्कीन ऑन सेकेंड कार्बन, सो पेंट टू ईन आल. हेयर यू कैन ऑल्सो सी numbering will start from, because C double bond O is preferred over double bond or whatever, so numbering will start from here 1 2 3, right. So we can write it as 1 phenyl, this ring is phenyl, 1 phenyl propane, 3 carbon is there, no, propane, and this is ketone. So in ketone we use suffix one, O-N-E, own suffix we use, right. If the CHO group over the ring, above the ring, right, in that case, जो भी ring है उसका नाम लिखिए, and उसके बाद carb aldehyde we use. For example, cyclohexane, this ring is cyclohexane ring ना, after followed by carb aldehyde. Similar, ketone में ऐसा नहीं होता, ketone में हम general name के, because it is generally, obviously it is very much clear, दो ketone के हमने example देखे, either it is on ring or outside the ring, दोनों cases के लिए आप देख सकते हैं. So if it is on ring, so आप numbering will start from this carbon 1 2 3 4 5, so it will be 2 3 methyl and then cyclopentanone, okay. So अंदर है, अगर ring पर है तो ऐसे होगा, बाहर है तो ऐसे होगा, and we can do and discuss number that naming of both the compounds, okay. If the CO group the CHO is preferred over COCO. Okay, so in that case we preferred CHO. So it will go with the parent chain.
सो इट इज कंसिडर्ड एज सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप, और इसीलिए इसका प्रिफिक्स यूज करते हैं. ओके, हमें पता है ना कि इफ वी हैव मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप इन दैट केस व्हाट वी नीड टू डू, इन दैट केस एक जो होता है प्रेफर्ड फंक्शनल ग्रुप वी यूज विद पेरेंट कार्बन चेन, एंड सी डबल बॉन्ड ओ जो होता है हमारा वी यूज दिस विद दिस एज, या दूसरा जो अदर फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं उन्हें हम एज अ प्रिफिक्स यूज करते हैं, सब्स्टिट्यूएंट यूज करते हैं. सो इन दैट केस इफ सीओ इज अ सब्स्टिट्यूएंट वी यूज ऑक्सो फॉर दैट, राइट. सो नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, 1, 2, 3, सीओ सीएचओ व्हाटएवर जब भी सब्स्टिट्यूएंट में होंगे. सो अगर उनका कार्बन काउंट हो रहा है तो इन दैट केस वी यूज सीएचओ, वी यूज ऑक्सो. सो नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, 1, 2, 3, 4, 5, सो 3 ऑक्सो पेंटेनॉल यू कैन सी. सिमिलरली हेयर यू कैन सी नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर, 1, 2, 3, 4, 5, वॉट नॉट हेयर फ्रॉम हेयर, नॉट फ्रॉम हेयर, क्योंकि ऐसी कंडीशन 1, 2, 3, 4, 5 ऐसा भी हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 1, 2, 3, 4, 5. सो बोथ द नंबरिंग्स आर सेम, दोनों एक ही तरीके से नंबरिंग किसी भी तरीके से करिए. सो इट विल बी 2,4-dimethylpentane-3-ओन, यू कैन सी 1, 2, 3, 4, 5. So 2,4-dimethylpentane-3-ओन. अगेन द 4-nitrobenzene-carbaldehyde एज वी डिस्कस्ड अबाउट, समटाइम्स दिस वी कैन से बेंजीन कार्बेल्डिहाइड और बेंजिलडिहाइड ऑल्सो. बेंजिलडिहाइड इज ऑल्सो एक्सेप्टेड बाय IUPAC एज वी हैड डिस्कस्ड, इट इज कॉमन नेम बट इट इज एक्सेप्टेड बाय IUPAC. वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इन केस ऑफ वेरियस कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप एक्सेप्ट दैट कीटोन, इफ द नंबर ऑफ दैट फंक्शनल ग्रुप इज मोर देन टू टाइम्स, इफ द नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज मोर देन टू एंड द एल्काइल चेन इज अनब्रांच्ड, एल्काइल चेन ब्रांच नहीं है, इन दैट केस वॉट वी नीड टू डू, वी जस्ट नंबर द एल्काइल चेन 1, 2, 3. सो दिस विल बी प्रोपेन, फिर 3CHO को हम क्या लिखते हैं, कार्बेल्डिहाइड, 1, 2, 3 ट्राई कार्बेल्डिहाइड. सारे फंक्शनल कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप के साथ ये होता है. आगे हमें मिलेगा कि नहीं आई डोंट नो, सो मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ बाकी फंक्शनल ग्रुप्स के लिए. जैसे इफ इट इज COOH तो दैट वुड बी कार्बोक्सिलिक एसिड, इफ इट इज दैट COOR दैट वुड बी एल्काइल कार्बोक्सिलेट. इफ इट इज नंबर उनके जो भी होंगे 3, 4 जो भी आप दे सकते हैं, इफ इट इज COCl सो इट वुड बी कार्बोनिल क्लोराइड. इफ इट इज सी डबल बॉन्ड NONH2 3 ग्रुप इज देयर, कार्ब अमाइड. इफ इट इज CN कार्ब नाइट्राइड, राइट. तो जितने भी और फॉर एल्डिहाइड वी हैड डिस्कस्ड कार्ब एल्डिहाइड, तो जितने भी ग्रुप्स होते हैं कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होते हैं, इफ दे आर इन द सेम कंडीशन इन दैट केस वी यूज सच नेमिंग, CHO CHO CHO, वी यूज सच नेमिंग फॉर देम. इज इट क्लियर टू एवरीवन नाउ? ओके, सो दिस इज IUPAC नोमेनक्लेचर. ओके, थैंक यू. सो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, दीज आर सम मोर इंटरेस्टिंग नेमिंग, हेयर इज कॉमन नेम ऑल्सो, IUPAC नेम ऑल्सो इज देयर, राइट. सो यू कैन सी ऑल दीज कंडीशन जो है यू कैन सी वेरी वेल हेयर, एंड कोई भी ऐसा स्पेसिफिक एग्जाम्पल नहीं है जो आई नीड टू. मैसेटिल ऑक्साइड, दीज आर कॉमन नेम है ना, कुछ क्या कॉमन नेम होते हैं, सो यू नीड टू रिमेंबर दीज नेम ऑल्सो. Now structure of the carbonyl group is very important. As we know, the CH2 that C double bond O group is carbon is sp2 hybridized, bond angle is 120 degree, three two hydrogen atoms and oxygen atoms
एंड कार्बन ऑल फोर एटम्स बिकॉज सी एस पी टू हाइब्रिडाइजेशन इट इज प्लेनर मॉलिक्यूल ओके सो ऑल थ्री आर इन अ प्लेन एक ही प्लेन में ये तीनों होते हैं और उसके अबव एंड बिलो जो प्लेन होता है उसमें पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है राइट एंड इन रेजोनेंस यू कैन सी द CO विल कन्वर्ट इन टू सी बिकॉज इट इज वेरी मच क्लियर दिस ओ माइनस एंड दिस सी प्लस ड्यू टू देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इट इज वेरी मच वेरी इंपॉर्टेंट इट इज ऑल्सो फॉर मैनी रिएक्शन ऑफ दीज कंपाउंड ये जो ट्रांजिशन इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जनरली वॉट हैपन इन दिस केस इट विल हैव एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज इट वुड एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल सो इट मे गिव समवेयर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन ऑल्सो एंड इट एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल सो इसके ऊपर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है इट मे अटैक एनी वेयर एज अ न्यूक्लियोफाइल एंड एनी न्यूक्लियोफाइल मे अटैक ओवर देयर एज सो इट मे एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल तो ये न्यूक्लियोफिलिक साइट के जैसे काम करता है एंड ये इलेक्ट्रोफिलिक साइट के जैसे काम करता है एंड इसमें पोलैरिटी डिस्क्राइब दिस स्ट्रक्चर इज एब्सोल्युटली डिस्क्राइब द पोलैरिटी इन द मॉलिक्यूल्स राइट सो रिमेंबर दीज थ्री एटम्स फोर एटम्स रिमेन इन द सेम प्लेन पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिमेन अबव एंड बिलो द प्लेन बॉन्ड एंगल इज 120 डिग्री ओके एज द साइज ऑफ द एटम्स इंक्रीज बॉन्ड एंगल इंक्रीज थोड़ा बहुत जैसे CH3 और H होता है तो उसमें बॉन्ड एंगल एग्जैक्टली 120 डिग्री नहीं रहेगा यहाँ बढ़ गया साइज तो थोड़ा सा बॉन्ड एंगल इधर कम हो जाएगा इधर बढ़ जाएगा ओके सो ये जैसे जैसे साइज बढ़ता जाता है ये बॉन्ड एंगल बढ़ता जाएगा और ये एंगल कम होता जाएगा ये एंगल्स कम होते जाएंगे ओके क्यों कम होते जाएंगे ऑब्वियसली बॉल्स का साइज बढ़ रहा है तो ये एंगल तो ऑब्वियसली बढ़ जाएगा तो इधर एंगल्स छोटे हो जाएंगे इज इट ओके टू एवरीवन नाउ सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर थैंक यू फॉर टुडे